कल 11 बजे कौन सा मेडल ला होगा ये बात गोल्ड लेके आओ कौन से गेम में डाल दिया ये बिजी रहेगी आगे क्या तैयारी है? ये साल मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने इस साल स्ट्रेंजा में भी मैंने गोल्ड मेडल जीता है और मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वो जो अभी मेरे लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा और मैं अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयारी कर रही हूँ जो कि 28 जुलाई से स्टार्ट होंगे और मैं उसमें मेरा अच्छा प्रदर्शन करूँगी और देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँगी। और अभी हमारी परसों अनुराग ठाकुर जी से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी हमारा हौसला अफजाई किया और गोल्ड मेडल लाने की उम्मीद रखी है उन्होंने हमसे। तो कितनी उम्मीद है गोल्ड के लिए? काफ़ी पूरा देश भी, जो प्रधानमंत्री हैं अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री हैं, माता पिता, पूरा भिवानी भी है, जो उम्मीद लगाए हुए है कि गोल्ड आए इसमें। मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। मैं अपना गेम है जो मैं वो रिंग में परफॉर्म करूँगी और देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लेके आऊँगी। तो उसके बाद कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक का सपना होता है, तो ओलंपिक की कितनी तैयारियां जो 24 में होने वाले? अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद हमारे एशियन गेम्स भी होंगे और उसके बाद हमारे क्वालिफाई इवेंट्स भी स्टार्ट हो जाएंगे ओलंपिक्स के लिए। तो उसके आने के बाद मेरा पूरा फोकस ओलंपिक क्वालिफिकेशन पे ही रहेगा जी। आज ये हमारी बेटी नहीं, देश की बेटी है नीतू, देश की बेटी है। देश का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया, स्टेट का नाम रोशन किया, इंडिया का नाम रोशन किया। इसके पहले भी गोल्ड काफ़ी आए और अभी पूरी 100% उम्मीद है हमारे परिवार को, सारे हमारे चाहने वाले को कि 100% गोल्ड जाएगी बेटी। तो उम्मीदें हैं या बेटी की मेहनत देख कर? मेहनत भी है, मेहनत बेटी ने खूब की है, मेहनत इसकी मेहनत का आज जो कुछ है उस मेहनत के सामने है सब कुछ। तो कौन से गेम होने वाले हैं आप आगे? ओलंपिक होगा आगे, अब ये कॉमनवेल्थ में है, सिलेक्शन हो गया है। ये आज कल सुबह 4 बजे की फ्लाइट से इंग्लैंड जाएगी और इंग्लैंड में गोल्ड मेडल लेके आएगी बेटी।